इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड के बीच पहला ओडीआई मुकाबला कल खेला जाएगा, जहां पर भारत के कप्तान रोहित शर्मा ने पहले मैच के लिए अपनी प्लेइंग 11 घोषित कर दी है। तो क्या है रोहित शर्मा की प्लेइंग 11 बताएंगे इस वीडियो में। उससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो आपको बताते चले कि इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड के बीच पहला ओडीआई मुकाबला 18 जनवरी को खेला जाएगा, जहाँ पर यह मुकाबला हैदराबाद में खेला जाएगा। समय की बात करें तो ये मुकाबला दोपहर 1:30 बजे से स्टार्ट होगा। तो चलिए आपको बता देते हैं पहले मैच के लिए रोहित शर्मा की प्लेइंग 11। आपको ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे खुद रोहित शर्मा, वहीं उनके पार्टनर की बात करें तो उनके साथ उतरेंगे शुभमन गिल, जिन्होंने श्रीलंका के खिलाफ अच्छा प्रदर्शन किया था। तीसरे नंबर पर उतरेंगे विराट कोहली, जिन्होंने श्रीलंका के खिलाफ 3 मैचों में 2 शतक जड़ दिए थे। वहीं चौथे नंबर की बात करें तो आपको वहां पर खेलते हुए नजर आएंगे सूर्य कुमार यादव। वहीं पांचवें नंबर पर आपको खेलते हुए नजर आएंगे हार्दिक पांड्या। वहीं छठे नंबर की बात करें तो आपको छठे नंबर पर खेलते हुए नजर आएंगे ईशान किशन। वहीं सातवें नंबर की बात करें तो सातवें नंबर पर आपको खेलते हुए नजर आएंगे वॉशिंगटन सुंदर। वहीं आठवें नंबर पर खेलते हुए नजर आएंगे मोहम्मद शमी। वहीं नौवें नंबर की बात करें तो आपको खेलते हुए नजर आएंगे कुलदीप यादव। वहीं दसवें नंबर पर आपको खेलते नजर आएंगे उमरान मलिक। ग्यारहवें नंबर पर आपको खेलते हुए नजर आएंगे बेहतरीन फर्स्ट बॉलर मोहम्मद सिराज। तो ये रहेगी भारत की पहले वनडे के लिए प्लेइंग 11। तो आपको क्या लगता है, श्रेयस अय्यर को मौका मिलना चाहिए या फिर ईशान किशन को? हमें कमेंट करके जरूर बताएं।